नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक महोदय दो हत्याकांड का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। थाना जहांगीराबाद 21/2/2019 की बीती रात में हुई महेश की हत्या का मुजरिम अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय रामदीन निवासी मसूद को थाना अध्यक्ष संतोष कुमार थाना जहांगीराबाद ने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना सफदरगंज का है। बाराबंकी थाना सफदरगंज पुलिस द्वारा दिनांक 7/3/2019 को ग्राम लक्ष्मर में हुई सनसनीखेज नृसिंह व जगन्नाथ दोहरे हत्याकांड की घटना का सफल अनावरण किया गया। दौरान विवेचना व जांच जानकारी हुई कि घटना के समय घटना स्थल पर बाहर के किसी व्यक्ति के आने जाने का साक्ष्य नहीं था तथा घटना के समय पूर्व मृतक एवं मजरूत के बीच झगड़ा होने की पुष्टि हुई थी। आसपास के लोगों द्वारा जोर जोर से चिल्लाने, झगड़ने व डंडा चलने, थप थप की आवाज होने की बात बताई गई थी। अभियुक्ति से गहनता से पूछताछ में जानकारी हुई कि अभियुक्ति गुरुदीन शराब का आदमी था तथा उसकी पत्नी भी उसके साथ शराब पी रखी थी। खाना देर से बनाने की बात को लेकर दोनों में कहा सुनी व विवाद हुआ। इसी दौरान मृतक कविता द्वारा अपने पास रखे बबूल के डंडे से गुरुदीन के ऊपर वार कर दिया। शुभम बचाने आया तो उसे भी चोट लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये देख गुरुदीन अति आक्रोशित हो गया था। गुस्से में आपक होकर उसी डंडे से बार बार कविता के सिर व चेहरे पर प्रहार करने लगा जिससे अगल बगल लेटे अमन व सिद्धांत को भी चोटें आई व कविता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अत्यधिक चोट व नशे के कारण गुरुदीन भी मौके पर पड़ा रहा। सनद रहे कि घटना स्थल व आसपास तथा कविता के मुख व बदन पर उल्टियां पड़ी हुई थी तथा शराब की आधी खाली व खाली शीशियां भी पाई गई। आइए देखते हैं एसपी साहब की वार्ता। पुलिस गई वहाँ पर, CO एडिशनल SP और थानाध्यक्ष और हम भी पहुँचे थे। वहाँ पर देख कर लग रहा था कि कुछ संदिग्ध लग रही थी घटना और आसपास वाले कुछ बताने को तैयार नहीं थे। बाद में ग्राम लक्ष्मण थाना सफदरगंज के अंदर जब हम लोगों ने पूछताछ की तो गुरदीन जो है, जो पति था, जो जिंदा बच गया था, उससे पूछताछ की फिर उसने दो दिन बाद खुलासा किया इस बात का। उस दिन शराब के नशे में दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पत्नी ने इसको मारा और उसको बहुत तेज चोट आई, बेहोश होकर गिर गया। इसी चोट के क्रम में उसके बड़े बेटे को उसी समय चोट लग गई थी जो मौके पर मौत हुआ था। बाद में जब ये उठा तो ये बहुत नशे में था और इसे ये होश नहीं था ये क्या कर रहा है। इसने पागलपन में सबको मारा है जिसमें कि इसकी पत्नी और एक बच्चे की मृत्यु हो गई और इसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया। जब पुलिस मौके पर पहुँची तब तक वो जिंदा थे, उसको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे इनका इलाज कराया गया जहाँ अभी ये अभी भी एडमिट है और ये सारी बातों का घटनाक्रम को बता रहा है। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। मैं इसमें अपने CO सदर, SP साउथ, SP नॉर्थ और जो है थाना जहांगीरा थाना सफदरगंज के जो थाना इनको मैं बहुत ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस घटना का खुलासा जल्दी ही दो दिन के अंदर कर दिया। जहांगीराबाद में एक राजनीति की हत्या हुई थी, उसका शौक आया थाना जहांगीराबाद के अंतर्गत एक दुकान के अंतर्गत है। रविंदर थे उनके मसूदपुर थाना के रहने वाले, उन्होंने सूचना दी थी कि करीब 8 दुकानें जो बनी हैं उन्हें महेश जिसको किराए पे दे रखा था तो उसी पर उनका शटर गिरा हुआ था और खून बाहर बह रहा था। जब उन्होंने शटर उठा के देखा तो महेश अंदर मृत अवस्था में पड़ा था। बाद में इसमें खुलासा हुआ है कि अनिल कुमार जो पलिया मसूदपुर का रहने वाला है, इसने भी शराब के नशे में जब दोनों में झगड़ा हुआ तो उन्होंने उसको पहले मारा, पहले बेहोश कर दिया और बेहोश होने का जब इसको लगा कि मुंह से झाग आ रहा है और ये उठने के बाद ये बता देगा कि मैं इसके साथ शराब पीता हूँ और इसकी बदनामी होगी तो इस नशे में इसने उनका गला रेत के हत्या कर।